हेलो फ्रेंड्स, द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं विराज भास्कर 6 सेमेस्टर में आपको डिजिटल टू पढ़ा रहा था। अब डिजिटल टू में हम लोग देखे थे कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, हम लोग उसमें दो टाइप्स पे बात किए थे, वेटेड टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर और आर टू आर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। उसमें न्यूमेरिकल्स भी देखे थे, उसका सर्किट डायग्राम कैसे सोल्व करेंगे। आप लोग उसका नोट्स भी बना लिए होंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वो प्रोवाइड कर दिया गया था। और चलिए आज हम लोग बात करेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जिसको एडीसी बोल रहे हैं। अब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में देखेंगे हम लोग उसके टाइप्स को भी, जिसमें हम लोग देखेंगे फ्लैश टाइप या पैरेलल टाइप, फिर से देखेंगे काउंटर टाइप, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेट टाइप, फिर ड्यूल स्लोप टाइप। अब सबसे पहले एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या था, तो हम लोग डिजिटल टू एनालॉग में देख रहे थे कि जो भी हम डेटा बिट इनपुट में प्रोवाइड कर रहे थे वो डिजिटल ही था। डिजिटल डेटा बिट प्रोवाइड करते थे, एनालॉग आउटपुट वोल्टेज करंट के फॉर्म में हम लेते थे। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि वोल्टेज करंट के फॉर्म में हम इनपुट को प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि एनालॉग फॉर्म में, और देखेंगे कि उससे हमको जो डिजिटल बाइनरी बिट क्या मिलते हैं, मतलब कि उसका आउटपुट हम लोग देखेंगे वो डिजिटल फॉर्म में होगा। चलिए तो आज शुरू करते हैं एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जिसमें एडीसी होता क्या, तो अभी मतलब हम वोल्टेज या करंट के फॉर्म में अगर इनपुट को प्रोवाइड करते हैं किसी भी सर्किट पे, तो वो मतलब किसी भी कन्वर्टर पे, तो वो हमको देता है क्या, डिजिटल आउटपुट। और सबसे पहले आज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में बात करेंगे फ्लैश टाइप या पैरेलल टाइप एडीसी पे, जो कि सबसे फास्टेड एडीसी है। खैर, सबका एक डिसएडवांटेज होगा, एडवांटेज होगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं सबसे फर्स्ट एडीसी, जिसका नाम है फ्लैश टाइप या पैरेलल टाइप एडीसी। यहाँ देखिए, फ्लैश टाइप या पैरेलल टाइप एडीसी, आज हम लोग इसी पे बात करेंगे, फ्लैश टाइप या पैरेलल टाइप एडीसी में। इसका सर्किट आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे कि फ्लैश टाइप और पैरेलल टाइप, मतलब इसमें हम लोग इसके सर्किट को डिजाइन करने के लिए कि हम यहाँ पे जो एनालॉग इनपुट देंगे तो उससे आउटपुट हमको डिजिटल कैसे मिलेगा, तो ये रहा आपका सर्किट पूरा का पूरा। और इस मतलब कि डायग्राम को आप अपने नोट्स में यहीं से बनाएंगे, वीडियो को पॉज करके आपको नोट्स दिए जाएंगे जिसमें डायग्राम यहीं से आपको बनाने हैं और उसको राइट डाउन करने हैं जो आपके नोट्स मिलेंगे। खैर, यहाँ पे जितने भी चीजें बता दी जाएंगी नोट्स में वही लिखा हुआ रहेगा, उससे फालतू आपको नहीं मिलेगा। मतलब जो भी इसका सर्किट का ऑपरेशन होगा, नहीं इस सर्किट कैसे बना है, इसका ऑपरेशन क्या है, इसका वर्किंग कैसे वर्क करके हमको डिजिटल आउटपुट दे रहा है, इस पे आज हम लोग बात करेंगे। तब हम लोग ये सर्किट जब देख रहे हैं तो देखेंगे इसमें क्या है कि इसमें रजिस्टर, सबसे पहले एट एट रजिस्टर्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कंपैरेटर 7 लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और इसमें एक और चीज लगा हुआ है, प्रायोरिटी इनकोडर 8 8 to 3 लाइन का है। और इसमें एक वी रिफरेंस है और एक इनपुट वोल्टेज है, वी रिफरेंस और इनपुट वोल्टेज। देखिए होता क्या है, सबसे पहले फ्लैश टाइप या पैरेलल टाइप एडीसी बनाने के लिए हमें जरूरत होती है किसकी, तो 2 के पावर n। ये जो 2 के पावर n होता है, ये मेरे पास रजिस्टर होते हैं, ये मेरे पास क्या होते हैं, रजिस्टर। 2 के पावर n मतलब रजिस्टर। अब देखिए कि अगर हमें 3 बिट्स वाला बनाना है, नहीं तो ये 2 के पावर 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 8 रजिस्टर हम लगाएंगे, ठीक, 8 to 3 लाइन बनेगा। अब इसी में कंपरेटर कितने बनेंगे, अगर जिसमें 8 रजिस्टर लगे हुए हैं तो कंपरेटर अगर हमें फाइंड आउट करना होता है तो वो 2 के पावर n-1, मतलब 2 के पावर 3-1, तो 8-1 तो कितना होगा, 7। ये देखिए इसमें 7 कंपरेटर लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 8 रजिस्टर लगे हुए हैं। सिर्फ इसी के लिए नहीं, अगर यहाँ पे 2 के पावर 4 रखेंगे, ठीक है, तो ये 16 अगर रजिस्टर जिसमें लगे हुए हैं, तो आप बताओ उसमें कंपरेटर कितने लगे होंगे, तो 2 के पावर 4-1, मतलब 16-1 तो 15 कंपरेटर लगे हुए होंगे। चलिए ये रहा आपका कि मतलब इसमें हम कितने कंपरेटर लगाएंगे और कितने रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। अगर
उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे कि वो एन का वैल्यू कितना हम कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे हम 8-3 लाइन बना रहे हैं, ये आपका प्रायोरिटी इनकोडर हुआ। वर्क कैसे करता है तो देखेंगे यहाँ पे ध्यान से और समझेंगे, और इसी चीज को वहां पे लिखा हुआ आपका नोट्स भी मिलेगा, आप उसको राइट डाउन कर लीजिएगा। ये रहा आपका भी रिफरेंस, ये रहा भी रिफरेंस जिसमें रजिस्टर सारा का सारा कनेक्ट है। ये रहा आपका इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज कहने का मतलब एनालॉग वोल्टेज जो भी हम प्रोवाइड करेंगे इस कंपैरेटर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम क्या मतलब कि प्रोवाइड करेंगे इनपुट वोल्टेज या एनालॉग इनपुट प्रोवाइड करेंगे। अब तो इनपुट में एनालॉग ही देंगे चूंकि डिजिटल आउटपुट लेना है। अब इसका जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा, इस भी रिफरेंस वाले लाइन जहां रजिस्टर है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से सारे अलग अलग पॉइंट से कनेक्ट होंगे। ये देखिए अब यहाँ पे एक चीज और नजर आपको आ रहा होगा कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये नॉन सॉरी इन्वर्टिंग टर्मिनल वाला पॉइंट जो फर्स्ट कनेक्ट है यहाँ पे, वो 7/8 इंटू भी रिफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रजिस्टर है इसके टोटल के टोटल नीचे कितने रजिस्टर है, तो 7 और 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये लिखा हुआ क्यों है, तो ये आपको दिखा रहा है कि वोल्टेज जो डिवाइड्स हो रहे हैं, ठीक है, इस रजिस्टर, ये सारे रजिस्टर के वजह से जो ड्रॉप के बाद वोल्टेज डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, मतलब वोल्टेज डिवाइडर मेथड के कॉन्सेप्ट वाला से ये लिखा हुआ है 7R होगा टोटल रजिस्टर, इसमें 8 आ रहा है और भी रिफरेंस है। अब देखिए यहां से आर आर जब कटेगा तो इसी तरह से आ जाएगा कितना 7/8 और ये वी रिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ये वी रिफरेंस 7/8 वी रिफरेंस। इसी तरह से इसके नीचे 6/8 वी रिफरेंस, 5/8 वी रिफरेंस, 4/8, 3/8, 2/8, 1/8 और ये ग्राउंड से लास्टली कनेक्ट है। अब इसके बाद ये सारा का सारा जब हम यहाँ से वी रिफरेंस वाला और वी इनपुट यहाँ देंगे तो ये प्रायोरिटी इनकोडर के पास जाएगा और हमको ये आउटपुट प्रोवाइड करेगा Q0, Q1, Q2 के फॉर्म में। लेकिन कैसे, हमें देखना होगा कि वर्क कैसे कर रहा है, तो इसके लिए आपको पूरा का पूरा वीडियो बढ़िया से देखे समझे, जहां समझ में नहीं आए पॉज करें फिर से बैक करके देखे, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, ये जो हमको समझ में आ गया कि ये वी रिफरेंस और ये 7/8 या 6/8 कैसे लिखा गया है। अब क्या हुआ कि हम इनपुट यहां से दे रहे हैं और भी रिफरेंस, इसमें जो दो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और उसको बढ़िया से समझना जरूरी है क्या कि सपोज कीजिए कि हम माने यहां लेट किए हैं क्या कि भी रिफरेंस, यहां समझना स्टार्ट कीजिएगा, भी रिफरेंस का वैल्यू यदि मान लिया कि 8 वोल्ट है, ठीक है। अब जो हम एनालॉग इनपुट देंगे यहाँ भी आई इनपुट वोल्टेज, जो एनालॉग वोल्टेज देंगे वो सपोज किए कि ये 6 वोल्ट है, ये कितना वोल्ट है 6 वोल्ट है। अब हम इस कंपैरेटर के पास यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स सेवन देखेंगे और आउटपुट हम कंसीडर करेंगे कि कैसे वर्क करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब भी रिफरेंस की बात कर रहे हैं तो ये जैसे ही भी रिफरेंस का वैल्यू कितना है 8 वोल्ट, फर्स्ट का कंडीशन यहां देखेंगे, फर्स्ट कंपैरेटर, ये जो कंपैरेटर है यहां पे इसका जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पे कितना वोल्ट प्रोवाइड होगा, और ये वी रिफरेंस दिया हुआ है और इसका जो इनपुट वोल्टेज है वो तो ऑलरेडी 6 वोल्ट प्रोवाइड हो रहा है, इसके वजह से इस प्रायोरिटी इनकोडर के पास क्या जाएगा जिससे हमको आउटपुट मिलेगा। तो क्या हुआ कि ये जो सबसे पहले जो इनपुट वोल्टेज जिसको एनालॉग वोल्टेज की बात कर रहे हैं वो हमारे पास 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, यही कॉन्सेप्ट समझना है, ये 6 वोल्ट है। चलिए अब भी रिफरेंस मेरे पास कितना है तो 8 वोल्ट है, भी रिफरेंस 8 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट था वो था 7/8 इंटू भी रिफरेंस, ये था। अब देखिए भी रिफरेंस का वैल्यू अगर हम रखते हैं 8 तो ये कट जाएगा, कितना आएगा 7 वोल्ट, ये कितना आया 7 वोल्ट। चलिए इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कितना गया 7 वोल्ट और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जिस पे हम इनपुट एनालॉग इनपुट दे रहे थे वो कितना गया 6 वोल्ट। अब एक कॉन्सेप्ट कंपैरेटर के केस में, अब एक कॉन्सेप्ट कंपैरेटर के केस में जो यहां आप देखिएगा, यहां ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट जो इस चीज को आपको समझाएगा कि जो हमारा जो आउटपुट मिलने वाला है कंपेयर करके वो क्या देगा, हाई देगा लो देगा। अब क्या हुआ कि ये जो एक कंपैरेटर हम बनाए इन्वर्टिंग
टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग। इसको हम क्या किए कि मान लें कि ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये वैल्यू निगेटिव, वीपी और वी है, दो कॉन्सेप्ट इसको समझना जरूरी है। अगर बोला कि जो वीपी का वैल्यू है यदि बड़ा होता है किससे, वीएन से, किससे, वीपी का वैल्यू बड़ा होता है वीएन से या इक्वल टू होता है वीएन के, तब ये कंसीडर करता है और आउटपुट देता है हमें, वो देता है हाई। हाई कहने का मतलब वन, ये देता है क्या, वन हाई। अब दूसरा केस, अगर वी एन, अगर वी एन बड़ा हो जाए वीपी से, वी एन क्या आ जाए, बड़ा हो जाए वीपी से, मतलब ये बड़ा हो जाए इससे, या भी ये वीपी छोटा हो जाए, यहां ऐसे भी लिख सकते हैं कि वीपी छोटा हो जाए किससे, वी एन से, मतलब ये वाला जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है वो छोटा हो जाए किससे, वी एन से, तब ये लो प्रोवाइड करता है। लो प्रोवाइड करने का मतलब जीरो। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझने जरूरी है। अगर वीपी बड़े होंगे या इक्वल टू होगा वी एन का तो वो हाई देगा। हाई कहने का मतलब वन, वन कहने का मतलब ऑन है, वन कहने का मतलब ऑन है। और अगर ये जो वीपी है ये वीपी कम हो जाएगा किससे, वीएन से, ठीक है, निगेटिव वाला टर्मिनल जिसको इन्वर्टिंग बोल रहा हूं उससे, ठीक है, तब ये लो देगा जीरो, और इसी को बोल रहा है कि ये ऑफ होगा ये क्या होगा, ऑफ होगा। अब देखिए यहां से इस केस में तो आप समझ गए, अब वी रिफरेंस और वी आई के केस वही अप्लाई हो जाएगा। अगर यहां पे देखिए, ये याद रखना है, अगर इसी चीज को हम यहां देख रहे हैं, अगर इसी चीज को देख रहे हैं, ये कंपैरेटर था आपका, ये पॉजिटिव निगेटिव, ठीक, ये पॉजिटिव से वी आई कनेक्ट था, ये वी आई, और निगेटिव वाला टर्म से वी रिफरेंस कनेक्ट है, कनेक्ट है ये वाला टर्म वी रिफरेंस। हम देने के बाद जो फाइनल आउटपुट हमारे पास आ रहा है यहां से, जो वी रिफरेंस पुट आउट करने के बाद 7, ठीक है। इस केस में देखिए, अगर ये वी आई ज्यादा होगा, वी रिफरेंस वाला टर्म जो कनेक्ट है इससे, ठीक, तब वो क्या देगा, वन देगा, लेकिन जब छोटा होगा तो जीरो देगा। इस चीज को समझ लेना है, जैसे वीपी और वीएन से समझाए वैसे ही। अब यहां से चलना शुरू करते हैं, अगर ये वीपी है मतलब पॉजिटिव वाले टर्मिनल, ये वीएन था, तो बताइए ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल बड़ा है साथ से या छोटा। तो देखिए, वीपी लेस देन है वीएन से, वीपी क्या है, छोटा है किससे, वीएन से, तब हम बोले थे क्या देगा, लो देगा, लो कहने का मतलब जीरो देगा। तब यहाँ पे जो आएगा वो फाइनल वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। अब इसके आगे देखेंगे, ये जीरो आया कैसे आया, समझ गए, बाकी अगर ये समझ गए तो आगे वाला सब समझ रहे होंगे। यहाँ पे हम 6 वोल्ट तो ऑलरेडी दिए हैं, वी आई का वैल्यू दिए हुए हैं। अब इसको जब हम करेंगे तो 6/8 आएगा। देखिए यहां से 6/8 इंटू वी रिफरेंस, ये वी रिफरेंस और वी रिफरेंस का वैल्यू कितना है, 8, ये कट जाएगा, कितना आएगा जी, 6 वोल्ट। ये भी 6 वोल्ट था, ये टर्मिनल वाला भी 6 वोल्ट। बोले यदि वीपी का वैल्यू, मतलब कि वीपी का वैल्यू बड़ा रहे या बराबर रहे किसके, वीएन के, तब ये हाई देता है, और हाई कहने का मतलब वन देगा। तो ये कंपेयर करके यहाँ पे आपको क्या देगा, वन देगा, देगा। अब इसके आगे भी चेक करते हैं, सिर्फ दो ही नहीं, आप खुद से चेक करेंगे। इस 6 वोल्ट ऑलरेडी है वी आई का वैल्यू, क्योंकि वी आई लाइन पूरा का पूरा के नॉन इन्वर्टिंग से कनेक्ट है, देख रहे होंगे। वी रिफरेंस पुट करेंगे यहाँ, 8 कट जाएगा, कितना आएगा, 5 वोल्ट। वीपी बड़ा है किससे, वीएन से, आउटपुट क्या देगा, 1। यहां भी करेंगे अगर तो 6 वोल्ट आएगा, यहाँ वी रिफरेंस रखेंगे 4 आएगा, 4 वोल्ट। वीपी बड़ा है भी यहां से, वीएन से क्या देगा, 1। यहां अगर करेंगे तो ये 6 वोल्ट तो ऑलरेडी है, ये 8 कट जाएगा, ये कितना आएगा, 3 वोल्ट। बताइए 6 वोल्ट ज्यादा है 3 वोल्ट से, यस, तो क्या देगा, 1। यहाँ पे क्या होगा, 6 वोल्ट तो ऑलरेडी है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 वोल्ट, 2 से ज्यादा है 6, तो क्या देगा, 1। यहाँ पे करेंगे तो 6 वोल्ट तो ऑलरेडी है, यहाँ पे कितना आएगा, 1। ये टेट कर जाएगा फिर रिफरेंस का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या देगा, 1। ये टर्मिनल D0 वाला ग्राउंड से ऑलरेडी कनेक्ट है, मतलब अब ये देखिए आपका पूरा का पूरा 0, यहाँ D7 के कंडीशन में 1 1 1 1 1 1 ये आउटपुट आपको मिल रहे हैं।
लेकिन फाइनली जो आउटपुट आप देगा यहां से, इससे को जब हम प्रायोरिटी इनकोडर से कनेक्ट करेंगे, इसका भी कॉन्सेप्ट अभी बताते हैं आपको। ये इजीली समझ में आया होगा कि जो वीपी और वीएन का कॉन्सेप्ट है उसी के अकॉर्डिंग है। वी रिफरेंस से हम देख रहे हैं, कंपेरेटर में कंपेयर कर रहे हैं, और 0101 जो भी आ रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। इसके बाद प्रायोरिटी इनकोडर का कॉन्सेप्ट क्या है कि चेक करता किसका प्रायोरिटी हाई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट को Q0, Q1 और Q2 प्रोवाइड करता है। आप देखिए, सबसे जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है D0 है, और सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला क्या है, D7 है। लेकिन देखेंगे कि D7 का वैल्यू तो 0 है, ठीक है, लेकिन ये हाईएस्ट प्रायोरिटी के बाद हम चेक करेंगे ये D6 का वैल्यू हाई है, और हाई में D6 का वैल्यू कितना है, 6 वोल्ट। अब यहाँ पे 6 के लिए लिखेंगे तो 110 ये देगा, नहीं देगा, देगा, तो अब यहाँ आएगा 110। अब इसको हम अगर करेंगे तो 124, ये 6 वोल्ट नहीं आएगा, आ जाएगा। देखिए इनपुट क्या प्रोवाइड कर रहे थे, यही 6 वोल्ट ने एनालॉग आउटपुट में चेंज किया। यस, ये प्रायोरिटी इनकोडर का कॉन्सेप्ट यही है, ये चेक करता है कि मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी इसका ये है, हाईएस्ट ये है, लेकिन इसमें ऑन कौन है, तो D6। अब देखिए ये जब देगा तो D6 को हम चेक करेंगे तो 6 वोल्ट पे ये दिया, मतलब आउटपुट 110, ये 6 आया। अब देखिए एक और चीज कि ये जो फ्लैश और पैरेलल टाइप है, ये समझ में आ गया होगा कि 6 वोल्ट आया कैसे, 110 देगा, मतलब 124 तो 426। अब देखिए एक चीज और, ये जो फ्लैश और पैरेलल टाइप एडीसी होता है वो सबसे फास्टेड होता है, सबसे फास्टेड कैसे होता है वो भी समझा रहे हैं अभी। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों, आप देख रहे होंगे कि 2K3 का कॉन्सेप्ट 8 रजिस्टर, अगर 4-बिट वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे 16 रजिस्टर, और आगे जाएंगे तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन ये फास्टेड आउटपुट कैसे देता है, तो देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो 0 दिया, नहीं ये जो 0 दिया इसके बाद देखिए तो ये 6 वोल्ट था। हम लोग एनालॉग आउटपुट में क्या दे रहे थे, 6 वोल्ट एक दे रहे थे। आप देखिए दूसरा में जो भी वोल्टेज वी रिफरेंस हम मतलब माने थे कि ये वी रिफरेंस 8 वोल्ट का है, ये वी रिफरेंस 8 वोल्ट का है, इसके अकॉर्डिंग देखिए ये तो 6 आने के बाद सब का सब कम हो रहा है इस 6 से। देखिए सब ये 5 हो रहा है, 4, 3, 2, 1 सब का सब कम हो रहा है। अगर 16 वाला में एक आ जाता 0 के बाद 1, तो सारा का सारा लोएस्ट में जाता, मतलब कि फाइनली 1 ही आता। तो देखिए अगर हम प्रायोरिटी इनकोडर से एक को कनेक्ट करके और आउटपुट ले लेंगे तो सब का सब आउटपुट इजीली प्रोवाइड कर देगा, मतलब जो आना चाहिए, जो भी हम जैसे इसमें 6 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे थे इसका आ गया, तो हमको आगे देखने की जरूरत है, इसीलिए फास्टेड है। जहां 0 आ रहा था, देखिए ये जो 0 आ रहा था इस 7 वोल्ट की वजह से आ जा रहा था, क्योंकि ये सबसे मैक्सिमम वाला जो वी रिफरेंस माने थे तो ये 7, इसको कम हो जा रहा था 6 वोल्ट। बाकी 6 वोल्ट जहां आया, 1 यहाँ पे आने के बाद ये टोटली का टोटली देखिए कम होते गया, ये 5 वोल्ट तो इजिली 1 होगा, ये 4 तो 1 होगा, 3, 1, 2, 1, 1 है तो 1, इसलिए फास्टेड मतलब कि फ्लैश और पैरेलल टाइप एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ये सबसे क्या होता है, फास्टेड होता है, ठीक है। तो आज ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे हम 10 ले रहे थे प्रायोरिटी इनकोडर से, कैसे पास करके हम फाइनली आउटपुट डिजिटल में ले रहे थे। एनालॉग इनपुट हम 6 वोल्ट दिए थे, आउटपुट में हमको क्या मिला, 6 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो आप ये चीज आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा, रिवीजन करते रहे, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिगर आपको यहीं से क्या करने हैं, वीडियो पॉज करके देखने हैं, आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जब तक समझ नहीं आए आप इसको रिपीट करके देखें, बाकी जो भी डाउट्स होंगे आपके डाउट्स क्लास में क्लियर किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।